71वें अखिल भारतीय रेसलिंग क्लस्टर स्पर्धा के पुरस्कार वितरण समारोह में हमारे बीच उपस्थित हमारे राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल, स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश महाजन जी, हमारे डीजीपी श्री रजनीश सेठ जी, श्री अनुप कुमार सिंह जी, श्री चिरंजीव प्रसाद जी, श्री आर्य चंद्रशेखर जी, श्री अमिताभ गुप्ता जी, हमारे विधायक माधुरते मिसाल, महेश दादा लांडगे, भीमराव अण्णा तापकीर, मंचासीन सभी महानुभाव, देश के सभी राज्यों से यहां पर पधारे हुए हमारे पुलिस स्पोर्ट्स पर्सोनेल, स्पर्धक, सभी टीम मैनेजर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र की एक अपनी परंपरा है और देश के अर्थतंत्र में महाराष्ट्र की एक अपनी जगह है। इसको इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और मुंबई को हम सभी जानते हैं कि देश का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है और ये जो पुणे नगरी है इसको मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और एजुकेशन का कैपिटल माना जाता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि मेजबान के रूप में महाराष्ट्र ने आपकी पूरी मेजबानी की होगी। अगर कोई कमी रह गई तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने की का अवसर महाराष्ट्र को मिला, इसलिए मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। बहुत खुशी हुई जब मैं ये देख रहा था तकरीबन कई राज्यों के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और रेसलिंग क्लस्टर के ये जो 7 खेल है इन 7 खेलों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन आप सभी का रहा। विशेष रूप से हमारी बहनों की उपस्थिति ये बहुत ही अच्छी रही, मैं उनको विशेष बधाई देता हूं और मैं ये मानता हूं कि बदलते भारत का ये स्वरूप है कि अब धीरे धीरे जितने हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे भाई मैदान पर दिखाई देते हैं, करीब करीब उतनी ही हमारी बहनें भी मैदान पर दिखाई देती है। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं ऐसा मानता हूं कि खेल जो है ये आदमी के केवल शरीर को तंदुरुस्त नहीं रखते तो हमारे मन और मस्तिष्क को भी तंदुरुस्त और चुस्त रखने का काम खेल करते हैं। खेल एक ऐसी विधा है कि जिस विधा से व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण कर सकता है और सबसे महत्व की बात यह होती है कि खेल जीवन में जीतने की आदत तो डालती ही है लेकिन हार को सहन करने की शक्ति भी हमारे बीच तैयार करते हैं। इसीलिए खेलों का महत्व है क्योंकि जो व्यक्ति खिलाड़ी होता है वो कभी हार नहीं मानता, हर हार के बाद खड़े होने का वो एक अवसर देखता है और अपनी ताकत से वो खड़ा होता है और कोई भी जीत उसको एक नई राह दिखाती है
और जीत के बाद वो एक नई मंजिल की तलाश करता है। इसीलिए हमारे फोर्सेस में भी खेलों का एक अपना महत्व रहा है और विशेष रूप से खिलाड़ियों को एक बहुत ही महत्व हमारे डिसिप्लिन फोर्सेस में दिया जाता है। विशेष रूप से हमारे डीजीपी साहब ने जैसे बताया, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, ऐसे खिलाड़ियों को डायरेक्ट डीवाईएसपी इस पद पर हमारी पुलिस में जगह दी, और मैं ऐसा मानता हूं कि इससे हमारे पुलिस का नाम भी बड़ा हुआ है। वैसे भी ये जो हमारे डिसिप्लिन फोर्सेस है, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो सेंट्रल फोर्सेस है, ये सारे के सारे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। जैसे हमारे फौजों को देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी है, वैसे ही हमारे अंतर्गत सुरक्षा का काम आप सब लोग मिलकर करते हैं, और आप है तो हम सब महफूज है, आप है तो भारत महफूज है। इसलिए मैं आप सभी का इस मौके पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके कार्य की बहुत प्रशंसा भी करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सारे खिलाड़ियों ने यहां पर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया है, एक खेल की भावना ये हमको देखने को मिली है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि खेल जितना महत्वपूर्ण होता है उतना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट महत्वपूर्ण होता है, और ये स्पिरिट आदमी को जीवन के किसी भी मकाम पर खिलाड़ी बनने के लिए बाध्य करता है और किसी भी मकाम पर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उसको तैयार रखता है। तो आपने यहां पर जिस प्रकार से इन गेम्स को संपन्न किया है, उसके लिए मैं आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूं, और साथ साथ जो सारे ऑफिशियल्स हमारे रेफरीज होंगे, हमारे बाकी जो ग्राउंड्समैन होंगे जिन्होंने सारा आयोजन किया, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट संभाले, ऐसे सारे लोग होंगे, ऐसे सभी का मैं इस गेम्स के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 2019 में मुझे याद है कि पुलिस गेम्स के दरमियान ही मैंने ये घोषित किया था कि हम यहां पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे। शायद कोविड के कारण हम वो नहीं कर पाए, बीच में कुछ समय हम लोग थे भी नहीं, तो शायद वो पीछे रह गया, लेकिन अब हमने ये तय किया है कि हमारे पुलिस को स्पोर्ट्स में अंतर्राष्ट्रीय फैसिलिटीज मिले। इस दृष्टि से हम लोग एक यही पुणे में यहीं पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक स्पोर्ट्स हॉस्टल तैयार करेंगे, जिसमें एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, मल्टीपर्पज हॉल, इसके साथ एक स्विमिंग पूल, ऐसे सारी चीजों का और एक बहुत अच्छे हॉस्टल का निर्माण यहां पर होगा, और इसके कारण हमारे स्पोर्ट्स पर्सोनल्स को तो फायदा होगा ही, पर बार बार इस प्रकार के गेम्स आयोजित करने का मौका भी महाराष्ट्र को मिलेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जल्द ही ये सारी फैसिलिटीज को हम लोग खड़ा करेंगे, हमारे डीजीपी साहब उसमें पहल करेंगे और जल्दी इसका निर्माण हम लोग करेंगे। मैं फिर एक बार जिन टीमों को यहां पर पुरस्कार मिला है उन सभी टीमों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स पर्सोनल है, जिनको इंडिविजुअल मेडल्स मिले हैं, ऐसे सभी हमारे पुलिस बहनों और भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा ये जो 71वां ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर चैंपियनशिप है, ये संपन्न हुआ, इसकी आधिकारिक तौर पर मैं घोषणा करता हूं, आई डिक्लेयर 71st ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर चैंपियनशिप 2022 क्लोज्ड। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।